हेलो गाइस, आई एम सोमो जी। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे चैनल में। तो अभी मैं रियलमी कम्युनिटी के पेज में हूँ और जहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकाल के आई है जो कि है रियलमी UI। आप सभी लोगों को पता है कि रियलमी UI मतलब कलरओएस 7 का जो रियलमी वाला UI है उसी की बात हो रही है। उसका जो बेटा अपडेट होगा, यानी जो मेन आप लोगों को पता है कि जैसे कलरओएस 6 आया था उसके पहले एक बेटा अपडेट आया था, वैसे कलरओएस 7 आने के पहले भी रियलमी UI का एक बेटा अपडेट आएगा। वो रियलमी X2 में कब से आएगा उसका सारा फॉर्म अभी बता दिया गया है कि कब से रिलीज होगा और उसका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और उसका टाइमलाइन क्या क्या है, सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इसी चैनल को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए डालने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रियलमी UI बेटा अनाउंसमेंट फॉर रियलमी X2 एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2020। इसका मतलब है 20 जनवरी से यहाँ पे एप्लीकेशन देना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 20 जनवरी के बाद से जिन जिन लोगों के पास रियलमी X2 है, पता चल रहा है रियलमी X2 है, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जाके फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। बस वो फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं उसका ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल में मिलेगा, उसके लिए टेंशन मत लो, आप बस मुझे फॉलो करते रहो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं रियलमी UI बेटा अनाउंसमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया है कि रियलमी UI इज़ कमिंग सून एंड वी नो यू गाइज आर एक्साइटेड टू हैव इन हैंड्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया है, इसका मतलब यही है कि रियलमी X2 का जो कि 20 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक्चुअल रियलमी UI के लिए बेटा अपडेट होगा। तो मेरे पास भी रियलमी X2 है और मैं भी इस बेटा अपडेट को करूँगा, पर भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं बेटा अपडेट को कर तो लूँगा पर रियलमी UI के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये रियलमी का अपना शर्त है। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे उन्होंने भी ये लिख दिया है, मस्ट बी एन इंडियन रेसिडेंट। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगा इस फॉर्म को जो आप फिलअप करेंगे, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगा, मस्ट बी एन इंडियन रेसिडेंट मतलब मुझे इंडिया में रहना पड़ेगा, मैं रहता हूँ, एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड उसके ऊपर ही हूँ मैं, ओन से रियलमी X2 डिवाइस ठीक है मेरे पास है। उसके बाद प्रूवेबल एक्सपीरियंस इन OS बेटा टेस्टिंग, मैं इससे पहले रियलमी 2 एंड C1 में कलरओएस 6 का जो बेटा है वो टेस्ट कर चुका हूँ और उसका सारा बग्स मैं फेस कर चुका हूँ, तो यानी मुझे पता है कैसे इसको हैंडल करना है, तो मुझे पता है इस बारे में। और यहाँ पे विलिंग टू प्रोवाइड आधार कार्ड एंड अदर फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, तो यहाँ पे मुझे आधार कार्ड शो करना पड़ेगा, उसके बाद जाके मुझे इसका जो कि फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो फर्जी जो फॉर्म्स हो गए उससे आप बहुत ही ज़्यादा बच के रहना, क्योंकि इसके चलते बहुत सारे लोग फर्जी फॉर्म निकल भी सकते हैं, उसके बारे में वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। फर्जी फॉर्म निकल भी सकते हैं पर क्या होगा, आपको उनसे बचना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे उस आधार कार्ड डालना पड़ेगा, तो भाई प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए, विलिंग टू साइन इन NDA। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन विल ट्रिगर लीगल एक्शन, इसका मतलब यह है कि अगर वो लोग आपको कुछ शर्त देते तो उस शर्त के बाहर आप लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। यानी अगर मैंने कलरओएस 7 और रियलमी UI का बेटा एंड्रॉयड 10 के साथ ले भी लिया पर मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि NDA साइन इन कर लूँगा मैं, क्योंकि उसको करना ही पड़ेगा। आप बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में, जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूँगा वो होगा कि कब तक ये जो बेटा टेस्टिंग होगा इसका फॉर्म एप्लीकेबल रहेगा, यानी अवेलेबल रहेगा। उसका फॉर्म अवेलेबल रहेगा 20 जनवरी से 27 जनवरी। द थ्रेड विल अपडेटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म लिंक। आप लोगों को पता है कि इसका जो जनवरी 20 से जनवरी 27 तक इसका जो कि एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। उसके बाद सक्सेसफुल एप्लीकेंट विल बी कॉन्टैक्ट बाई मेल, तो यहाँ पे मेल एड्रेस हम लोग को देना पड़ेगा जो जो एप्लीकेशन एप्लीकेंट के पास, यानी जो जो कॉन्टेस्टिंग के पास इसका बेटा वर्सन आएगा, अगर मेरे पास आए तो मुझे भी एक मेल मिल जाएगा। फाइनल लिस्ट बेटा यूजर्स रियलमी कम्युनिटी यूजर नेम विल बी अनाउंस द सेम थ्रेड ऑन फेब्रुआरी 1, 2020। फाइनल लिस्ट जब लॉन्च होगा एंड बेटा टेस्टिंग विल कॉमर्स फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी। यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी तक इसका बेटा टेस्टिंग चलता रहेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई रियलमी UI आना स्टार्ट हो गया है, रियलमी XT में भी आ चुका था, उसके बाद रियलमी X2 प्रो में आया, उसके बाद जाके यहाँ पे रियलमी X2 में आ गया है। और अगर आप स्टेबल की बात करें तो रियलमी X2 में तो भाई आप लोगों को पता है ना कि रियलमी X2 में मार्च महीने में आ जाएगा, सबसे पहले आएगा रियलमी XT में और रियलमी 3 प्रो में।
तो जिन जिन लोगों के पास Realme 3 Pro है वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा आनंद की बात है, आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स वीडियो में आपको लेके लिए बनाता रहूँगा। तो गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में मुझे यही बताना था, आप बताएं आपका कुछ सवाल और सुझाव है कि नहीं, अगर है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।